हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, वो है अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, अपने दैनिक जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है जिसमें पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन अपना क्या कहलाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज बात करते हैं इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बारे में कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनमें अपन अंतर से इसको समझते हैं। ये हो गया अपना भौतिक परिवर्तन और यह है अपना केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। आप देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के किसी भी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन किसके अंदर होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। अर्थात भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, यह है अपना जल, क्या है जल, और जैसे ही मैंने जल को क्या किया, ठंडा किया, फ्रीज के अंदर जल को रख दिया कटोरी में डाल के, तो वो जल है वो किस में परिवर्तित हो गया, बर्फ के अंदर। अर्थात पहले जल है वो कौन सी फॉर्म के अंदर था, पहले जल है वो अपना द्रव अवस्था के अंदर था, लेकिन जैसे ही ये बर्फ में बदला अर्थात ये ठोस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ये द्रव था, द्रव से किसे बदला, ठोस में बदला है। लेकिन अब अगर जल का सूत्र देखें तो यहाँ इसका सूत्र है H2O, यहाँ भी इसका सूत्र क्या है H2O, अर्थात इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के अणु हैं, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन के अणु, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, अर्थात इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हुआ है। केवल और केवल किसका परिवर्तन हुआ है, भौतिक अवस्था का परिवर्तन हुआ है। जैसे और अपन देखते हैं जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, जो अपना बर्फ है, अगर मैं बर्फ को वापस गर्म करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल के अंदर कन्वर्ट हो, अर्थात ठोस से वापस द्रव अवस्था बन सकती है, और द्रव से वापस क्या बन सकती है, ठोस अवस्था। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। जो भी इसके अंदर वस्तु बन रही है वो स्थायी नहीं है, एक बार बर्फ बन गई, बर्फ से वापस जल बन सकता है, इस प्रकार का ये अस्थायी परिवर्तन है। फिर बात करते हैं ये जो अपना परिवर्तन है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात आगे भी चल सकती है, वापस रिवर्स भी आ सकती है। तो ये देखिए जल से क्या बना, बर्फ बना, ये हो गया अभिक्रिया इस तरफ, लेकिन क्या वापस बर्फ से जल नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता, अर्थात अभिक्रिया वापस रिवर्स के अंदर हो गई। तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। फिर अपन और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माना कि लकड़ी काटना और कागज फाड़ना, यह भी किसके एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन के। लकड़ी को मैंने काटा है तो वो लकड़ी ही है, उसके सारे जो गुण हैं वो नष्ट नहीं हुए हैं, अर्थात इनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कागज़ है, कागज़ को मैंने फाड़ दिया, फिर भी उस कागज़ के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, उसको यूज़ कर सकता हूँ, अर्थात इनके गुणों में कोई नष्ट, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही अगर मैं कागज़ को जलाता हूँ, मैं कागज़ को क्या करता हूँ, जलाता हूँ, मैंने कागज़ जला दिया, कागज जलाना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज को मैंने जला तो कागज के सारे गुण है वो नष्ट हो गए, कागज है वो राख में परिवर्तन हो गया। तो अब कागज मैं उसको उपयोग में नहीं ले सकता, उस पर मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसको मैं नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये कागज जलाना कौन सा परिवर्तन हो गया, अपना रासायनिक परिवर्तन। इसमें देखिए लकड़ी जलाना,
कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसके अंदर जो लकड़ी के सारे गुण थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, इसके अंदर नया पदार्थ बन रहा है। दूसरी बात एक बार और है, उसको अपन आगे समझेंगे, फिर बात करते हैं अपना रासायनिक परिवर्तन, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों नहीं, उसके जो पदार्थ के रासायनिक गुण उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात इसमें पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के जो भी रासायनिक गुण है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जो भी उसका पदार्थ का जो भी संघटन है वो भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो साथ में लिख सकते हैं अपन, पदार्थ का जो भी संगठन है किससे मिलकर बना है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार्बन है, क्या है, कोयला, कोयले को मैंने जलाया, ये क्या है, कोयला, इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ये हो गया अपना, सॉरी ये कोयला, ये होगी ऑक्सीजन, क्या बनेगा अपने पास में, CO2 गैस, क्या बना अपने पास, CO2। क्या इस कोयले और CO2 के कोई गुण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, CO2 एक प्रकार की क्या है, गैस है, CO2 क्या है, गैस है, लेकिन ये अपना क्या है, ये अपना ठोस है, सॉलिड है, ये अपना कार्बन कोयला क्या है, ठोस है, लेकिन ठोस जैसे ही मैं इसको गलाया जलाया तो कौन सी गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, अर्थात इनके गुणों में और इनके गुणों में क्या है, परिवर्तन है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और संघटन है वो भी क्या होता है, बदल जाता है। फिर अपन बात करते हैं एक और एग्जांपल, दूसरी बात है कि हमारा जो यह परिवर्तन है यह स्थायी परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, अर्थात एक बार जो पदार्थ बन गया वो बन गया, वो वापस रिवर्स नहीं आ सकता। कहने का मतलब है जैसे मैंने दूध, दूध से क्या बना दिया, दही बनाना, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही बन गया है तो बन गया, वापस अपन दही से दूध नहीं बना सकते, अर्थात ये कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, एक बार जो पदार्थ बन गया वो बन गया, उसको वापस अपन पुनः प्रारंभिक अवस्था में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए यह कैसा परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय का मतलब है जो भी अभिक्रिया है वो एक ही दिशा में चल रही है, अर्थात एक ही दिशा में अभिक्रिया का चलना कैसा परिवर्तन कहलाता है, अनुत्क्रमणीय, अर्थात जो दूध से दही बन गया वो एक ही परिवर्तन, इसका एक ही दिशा है, वापस अपन दही से दूध नहीं बना सकते, अर्थात तो ये कैसा परिवर्तन है अपना, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर बात करते हैं जो हमारा रासायनिक पदार्थ है, इस रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्या होता है, एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण, अर्थात इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस रासायनिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इस भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और इस भौतिक में नए पदार्थ का निर्माण। फिर बात करते हैं जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, इसके अंदर एक नया स्वाद आता है, नया टेस्ट आता है, नई गंध आती है, तो अपना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं इसके अंदर बात करूं, आगे अपना एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जल में चीनी घोलना, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, क्यों है, क्योंकि माना कि पहले मैंने जल को, जल में चीनी को घोलने से पहले मैंने चीनी का स्वाद सका तो स्वाद कैसा था, मीठा था, लेकिन जल के अंदर मैंने घोलने के पश्चात स्वाद सका तो इसका स्वाद कैसा था, मीठा था, इसका मतलब इसके अंदर कोई नया स्वाद उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका मतलब यह कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। फिर बात करते हैं, माना कि यह कोई गिलास है, क्या है, गिलास है, और इसके अंदर मैंने जल डाल दिया है, और ये इस जल के अंदर क्या डाली है, चीनी डाली मैंने, तो ये बन गई सासनी, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, यीस्ट, क्या डालता हूँ, यीस्ट,
यीस्ट क्या होता है, कवक है एक प्रकार का, और जैसे ही मैंने इस जल के अंदर, इसके अंदर क्या घुली हुई है, सिनी घुली, और इस जल के अंदर क्या डाल दिया मैंने, यीस्ट डाल दिया, और दो दिन के बाद मैंने इस सब गिलास का ढक्कन खोला तो इसके अंदर क्या बना था, कोई नया पदार्थ बना था। पहले इसमें जो यीस्ट डालने से पहले इसका स्वाद कैसा था, इसका स्वाद मीठा था, लेकिन अब इसका स्वाद कैसा हो गया, कड़वा हो गया है। इसके अंदर अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब इसके गुणों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसके अंदर नई गंध आ रही है, इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसका स्वाद सेंज हो गया है, अब इसकी गंध सेंज हो गई है, इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यीस्ट को डालने पर यहाँ पर क्या हुआ है, किण्वन, क्या हुआ है, किण्वन हुआ है। और किण्वन का मतलब होता है, अपन विज्ञान में सड़ने को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जो भी यहाँ पर जल था उस जल को क्या कर दिया, इस यीस्ट ने सड़ा दिया है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गई है, किण्वन की क्रिया हो गई है। और यहाँ पर यह कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिर अपन और बात करते हैं कि जल में नमक घोलना, जल में नमक घोलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। नमक घोलना पर कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। फिर अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना, ध्यान से समझना, इसके अंदर दोनों ही परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि माना कि ये क्या है, अपनी मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जल रही है। अब जल रही है इसका मतलब ऊपर तो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, और नीचे जो मोम टपक रही है वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम पिघल के वापस जम रही है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर माना कि मोम ठोस में थी, यहाँ पर पिघली और यहाँ पर वापस ठोस के अंदर बदल गई, इसका मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ऊपर जो क्या जल रही, आग जल रही, अर्थात अगर मैं ऊपर मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखता हूँ तो मेरे हाथ के यहाँ पर क्या जम जाएगी, काला काला धुआं जम जाएगा। इसका मतलब जो धुएं का निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन है, और नीचे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना, इसके अंदर दोनों परिवर्तन है, क्या है, दोनों परिवर्तन है। अगर मैं आपको इतना कहता कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, तो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें पिघलने में कोई अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये हो गया अपना दोनों परिवर्तन। फिर बात करते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, भोजन के पाचन में रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कैसे, माना कि अपन ने भोजन किया था, भोजन के अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वसा थी, और वह सारे सारे के सारे जो घटक है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सारे के सारे घटक है वो टूट कर किस में परिवर्तित हो गए, ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो गए, अर्थात एक नए पदार्थ का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। किस में परिवर्तित हो गए, ग्लूकोज में, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और नए पदार्थ का निर्माण किस में होता है, रासायनिक परिवर्तन में। इसका मतलब जो भोजन का पाचन है उसमें कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। एक और अपना एग्जाम्पल है, माना कि लोहे पर जंग लगना, क्या, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसे, ध्यान दीजिए, जब लोहा वायु के संपर्क में, वायु का मतलब है ऑक्सीजन, किसमें संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आएगा, तब जाके किसका निर्माण होगा, तब जाके जंग का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, जंग का। तो यहाँ पर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और जंग का सूत्र अगर देखना चाहते हो तो सूत्र है Fe2O3 3H2O, तो Fe2O3 3H2O, ये तो हो गया जंग का सूत्र। तो जंग के निर्माण में लोहे का भार बढ़ता है, लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात एक नया पदार्थ बनता है, लोहे की, लोहे पर एक भूरे रंग की परत सट जाती है। इसका मतलब इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन, अपना रासायनिक परिवर्तन है, Fe2O3 3H2O, ये हो गया अपना जंग का सूत्र। एक एग्जाम्पल अपने पास और है कि लोहे को गर्म करना, लोहे को गर्म करना,
तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये मित्रों भौतिक परिवर्तन है। कैसे? लोहे को मैं गर्म कर रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना ही उसके कोई रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब लोहे को गर्म करना ये कौन सा परिवर्तन बना? भौतिक परिवर्तन है। एक एक और एग्जाम्पल है कि बल्ब का जलना क्या है? बल्ब का जलना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जलने का मतलब दहन नहीं है। अपन साइंस में क्या कहते हैं? जलने को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ये हो गया दहन। माना कि मैं लकड़ी को जला रहा हूँ, कागज को जला रहा हूँ, तो वो हो गया जलना। यहाँ पर बल्ब का जलने का मतलब है बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा है। बल्ब क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपना परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। कैसे? बल्ब को अपन जला रहे हैं, जैसे ही अपन स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब प्रकाशित होता है, और जैसे ही अपन बल्ब को वापस स्विच को ऑफ कर दें तो बल्ब हमारा प्रकाशित होना या बल्ब बुझ जाएगा। इसका मतलब कैसा पर? उसके बल्ब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई इसमें तीसरा पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब वो जल रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है, वो बुझ रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है, वो बुझ रहा है। इसका मतलब उसमें कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। एक अपना और एग्जाम्पल है, जैसे यह द्रव है, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वापस वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। तो कहने का मतलब है जो वाष्पन और संघनन है यह भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अपन वाष्पन और संघनन को, वाष्पन और संघनन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। और आसवन अपना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, द्रव से वाष्प, वाष्प से वापस द्रव में। तो ये भी अपना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। एक है अपना ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के अंदर क्या होता है? कोई भी ठोस पदार्थ है, क्या है? कोई भी ठोस पदार्थ, वो बिना द्रव में बदले सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में। तो यहाँ पर जो ये ऊर्ध्वपातन है ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी कैसा परिवर्तन हो गया? अपना भौतिक परिवर्तन। कई बार आपने देखा होगा जो अपनी नेफ्थलीन की गोलियाँ होती है, उस गोलियों को अपन कई बार किसी वस्त्र के अंदर रखते हैं, और कुछ समय बाद जब अपन उसको ढूंढते हैं तो वापस अपन को नहीं मिलती। केवल उसकी क्या मिलती है? अपन को उसकी गंध अपन को महसूस होती है। तो कहने का मतलब है तो जो ठोस थी वो डायरेक्ट गैस के अंदर बदल गई, वो बिना द्रव में बदली। अगर द्रव में बदलते वहाँ पर तो जो कपड़ा वो भी अपना गंदा होता नहीं हुआ। इसका मतलब वो ठोस से डायरेक्ट किसके अंदर बदल गई? गैस के अंदर बदल गई। तो यहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन है? अपना भौतिक परिवर्तन। तो ये आपको समझ में आ गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक बार दोबारा, जो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई नया स्वाद नहीं आता है, कोई नया टेस्ट नहीं आता है, तो कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर इसमें नया पदार्थ बनता है, जो भी पदार्थ के रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन हो जाता है, नया स्वाद आता है, तो ऐसा परिवर्तन कौन सा होता है? अपना रासायनिक परिवर्तन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अपन मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।